अच्छा बताओ कहाँ बैठना है मुझे। हाँ उस पर बैठ जाइए। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फिर से फ्रंट पेज पर हैं। थैंक यू। तो क्या आप तैयार हैं? हमारे सारे दर्शक आपके इस ग्रुप के बहुत बड़े फैन हैं और वो आपके इस ग्रुप के बारे में और भी सुनना चाहते हैं। अच्छा तो ये बताइए आपकी इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? ये सब शुरू हुआ ने तो किराया डबल कर दिया। क्लाइंट ने कॉल करके बॉक्सिंग सेशन कैंसिल करने को कहा है। मुश्किल से तो एक क्लाइंट मिला था और अब वो भी कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, पर आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ है, पर उस कमीने ने ग्रीटिंग कार्ड भेजकर मेरा सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। पर वो तुमसे एक बात कहूँ, वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना? वो दोस्त नहीं, धोखेबाज है। हाँ बोलो। हाँ क्या मैं एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता हूँ? ओ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यार, पर एक और मौका चाहिए प्लीज। साइन करने से पहले सोच लो, क्योंकि ये 3 साल की मेंबरशिप है। तुम साथ हो तो किस बात की फिक्र, बस मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। मेरे अगले हफ्ते मेरी गर्लफ्रेंड हांगकांग से वापस आ रही है। हाँ, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। उसके आने के बाद तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने तुम्हारा सामान पैक कर रखा है। तुमने मुझसे कहा था काम छोड़कर घर संभालो। वो तो मैंने मजाक किया था। ये सब तुमने मुझे मेंबरशिप बेचने के लिए किया ना? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। तुम भी ना, ये लो तुम्हारे लॉकर की चाबी, इसे संभाल कर रखो और खूब मेहनत करना। हाँ हाँ, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। एक दिन उस कमीने को सबक सिखा के रहूंगी। मैं इतनी खूबसूरत दिखूंगी कि एक दिन वो मेरे कदमों में होगा, मेरे सामने हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, अपने किए पे पछताएगा, मुझसे माफी मांगेगा, रोते हुए मुझसे भीख मांगेगा। वो रोएगा तो मैं भी रोऊंगी और माफ कर दूंगी। थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। नहीं मैं नहीं थकी हूँ, और कर सकती हूँ। बॉक्सिंग क्लब छोड़कर तुम आजकल जिम में क्यों रहती हो? हाँ क्योंकि कोई भी क्लाइंट मेरे साथ बॉक्सिंग नहीं करना चाहता। ये सब कुछ तुम्हारे गुस्से की वजह से हो रहा है, अगर गुस्से पर काबू रखती तो आज टीटी तुम्हारे साथ ना। मतलब तुम बहुत अच्छा कर रही हो गॉर्जियस, बस तुम्हें एक अच्छे कोच की जरूरत है। तुम्हारी जैसी लड़की तो ना 9 महीनों में पूरी तरह ट्रेन हो जाएगी। कोई और शिकार ढूंढो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। ए, उसके कोच है या मेरे? मैं बस उसकी मदद कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे भी कोच चाहिए। तुम्हें पता है मॉडलिंग एजेंसी में मेरा एक दोस्त काम करता है। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, इसे संभाल कर रखना, ठीक है ना? हाँ जरूर। मेंबरशिप की फीस क्या है? नहीं 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 नहीं। तुमने उसे गॉर्जियस कहा? हाँ मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो सच में गॉर्जियस है। अगर तुम 3 साल की मेंबरशिप लेती हो तो तुम्हें योगा का पैकेज भी फ्री मिलेगा। हाँ योगा करने से तुम और भी फिट रहोगी। कितनी गर्मी है, पसीना आ रहा है, वो मशीन खराब है। मशीन खराब है। सॉरी तुम पहले कर लो। हमेशा दूसरों की चीजें छीनती हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कमीनी पागल कहेगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की?
कहूँ तो क्या कहूँ? ये सब क्या चल रहा है? बाहर जाकर लड़ो वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे रे, क्या पंच मारती है? मैं सब समझ गई हूँ। बू, ये तुम्हारे क्लब में ट्रेनर बन सकती है। लड़की में दम है, जवान है और खूबसूरत भी है। इसे हाथ से जाने मत देना। बॉक्सिंग कर सकती है। मैंने नाक भी जोड़ी। पंच में दम भी है। मेरा एक घर होता है। बेरोजगार बेघर भी है। रुको रुको रुको, मुझे भी मानने दो। इतने झूठा है कि ये मुझसे प्यार करता है। यही बात ये जिम की हर लड़की से कहता है। साले कमीने। या तो यहाँ रहकर लड़कों का शिकार बनो या मेरे साथ इनका शिकार करो। वाह, कितना बड़ा घर है। इसका भाड़ा भी इसके जैसा बड़ा है। मुझे यहाँ क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस क्लाइंट्स के साथ बॉक्सिंग करनी होगी, वो भी नकली वाली। इस बात का ध्यान रहे कि वो जल्दी से ना थके, क्योंकि हम उनसे घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं। ये कौन है? क्लब की नई डिफेंडर है। सारे क्लाइंट्स को बता दो कि हमारे क्लब में नई डिफेंडर आई है। लड़की थोड़ी सर फिरी है, जो पहले आएगा उसे पहला मौका मिलेगा। तुम जल्दी से एडवांस बुकिंग शुरू कर दो। करता हूँ। इसका नाम है डाइस, दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा। हाय, मैं इसका भाई हूँ। हाय बच्चे, मैं हूँ मियू। वाओ, कितनी सारी चीजें हैं इसके पास। वाओ, मैं सच में यहाँ रहूंगी? हाँ, वो बेड तुम्हारा ही है। सारे क्लाइंट्स को बता दो कि वो यहीं पर रहती है, इसलिए वो दिन में किसी भी वक्त बुकिंग ले सकते हैं। उन्हें बॉक्सिंग करने में मजा आएगा। जरा एक मिनट, ये लो। ये क्या है? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। मुझे ये केक बहुत पसंद आया। थैंक यू डाइस। आज तुम्हारा बर्थडे है तो फिर क्यों ना तुम्हारे दोस्तों को बुलाकर यहाँ पर पार्टी की जाए। इसका कोई दोस्त नहीं है। क्या ये नमूने तुम्हारे सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं? अगर ये बॉक्सिंग के बारे में सीरियस होते तो यहाँ नहीं आते। तुमने पंच ब्लॉक कहाँ सीखा? चलो टाइम आउट। तुम्हें पता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड फाइट कोरियोग्राफर था, उसने मुझे पंच ब्लॉक करना सिखाया। और मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड एक जिमनास्ट था, उसने मुझे किक करना सिखाया। एक और एक्स बॉयफ्रेंड मजदूर था, उसने मुझे रोल करना सिखाया। ये सब तो किस्मत की बात है। किक ब्लॉक रोल, किक ब्लॉक रोल, किक ब्लॉक रोल। शायद इसलिए तुम्हें एक भी चीज ढंग से नहीं आती। तुमने किससे सीखा? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सिखाया? नहीं, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से अब तक कुछ भी नहीं सीखा है। मुझे अब तक अपने बॉयफ्रेंड से बस धोखा ही मिला है। हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के बॉक्सिंग पैकेजेस हैं। यहाँ घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जाएगी। स्पंज डिफेंडर के साथ खेलने के बाद आपका लेवल 1 पूरा होगा। फिर 10 घंटे की क्लास जिसमें आप अलग अलग तरह की डिफेंस टेक्निक सीखेंगे। उसके बाद 30 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग होगी। आप प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के बहुत करीब होंगे। उसके बाद 50 घंटे आप हमारी बॉक्सर के साथ जैसे चाहे वैसे और किसी भी तरह से बॉक्सिंग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? और एक बात,
ये ऑफर लिमिटेड है और आप जैसे खास क्लाइंट्स के लिए डिस्काउंट भी है, सोच लीजिए। बहुत ही कमाल का मौका है, हमारी बॉक्सर के साथ बॉक्सिंग करने का मौका बार बार नहीं आता, आप दोनों को मजा आएगा। हम लोगों को मजा आएगा? अरे कह रहा हूँ ना आपको मजा आएगा। सर आपने लाइन तो सुनी ही होगी ना, दो में ज्यादा मजा है। हाँ। अगर ज्यादा पैसे भरेंगे तो साथ में चीयर गर्ल्स भी होंगी। हेलो, मैं इस जगह का मालिक हूँ। पता है किराया बढ़ गया है। ये जगह इतनी बड़ी और अच्छी है कि अगर मैं तुम्हें निकाल के किसी और को रख दूँ तो मुझे डबल किराया मिलेगा। पड़ोसी भी तुम्हारे इस अजीब से क्लब की शिकायत कर रहे थे। बीती बातों को भूल जाओ, अपने गुस्से को इस पर उतार दो, चलो। देखा, मैं तो बस दुखी लोगों की मदद करती हूँ। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? कितना क्यूट है ना वो, अब देखना वो धीरे धीरे अपने सिर का पसीना पोछेगा। मैं तो उस पर फिदा हो गई, काश मैं वो टॉवल होती। बकवास बंद करो, काल आ गया। क्या काम करो? फ्री फाइट। कंग्रेचुलेशंस क्लब के फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए, अब तुम्हारा मुकाबला होगा मेरे साथ। जानते हो ये हमारे क्लब का फाइनल स्टेज है, तैयार हो जाओ। क्या कर रही हो? अरे तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। हाँ अरे यार चल, तुम भी तो मैं बैठ देख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। ये लो, थैंक्स। ठीक है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अगली बार थोड़ा धीरे मारना, समझे? अब तुम एक बिल्ली की तरह खड़ी हो जाओ, सर को नीचे झुकाओ
और अब अपनी पीठ को ऊपर करो। ये बहुत पका रहा है, प्लीज मुझे इससे बचाओ। इससे बचने का एक ही रास्ता है, इसे छोड़ोगी तभी जाकर योगा छूटेगा। सलाह के लिए थैंक यू बू, तुम मेरे सब बॉयफ्रेंड से ज्यादा समझदार हो। इस ढक्कन में ऐसा क्या है? सांस छोड़ो, सांस छोड़ते वक्त अपने अंदर की सारी बुराइयां छोड़ दो। तुमने सही कहा था, उसे छोड़ने पर ही मेरा योगा छूटेगा। तुम बहुत क्यूट हो। शुक्रिया। कहो ना मुझसे प्यार करते हो? नहीं, पहले खाना पकाते हैं। पर तुम तो मुझे पका रहे हो। ओ, पानी रखा था। ओ, गड़बड़ तो लग रही है। लगता हाँ। है इस पॉट को फेंकना पड़ेगा। रुको, ये मेरी बहन के दोस्त का पॉट है। ओके। नहीं, मुझे ड्रेस नहीं है। आइसक्रीम से झुर्रियां कम हो जाती हैं और आप जवान हो जाते हो। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? क्योंकि वो काम करके थक जाती है। हाँ, पर इससे गुस्से का क्या लेना देना? मैं मेरे गेम की हथियार ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इन्हें खरीदोगे? हाँ, क्यों नहीं, मुझे और बू को हथियार कलेक्ट करना बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं? नहीं है। जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपने हथियार नहीं बेचूंगा। गाइस, बू की बेस्ट फ्रेंड कौन है बताओ ना मुझे। दिखाई नहीं दे रहा, मैं फोन पे बिजी हूँ। प्लीज बताओ ना। अरे उसका नाम टीटी है। ओह, ये वही है जिसकी फोटो क्लब के हर पोस्टर पर है। मुझे लगा वो तो मर गई। वो अभी जिंदा है। वो और बू बचपन से ही दोस्त थे, वो पहले से ही कमजोर थी। इसलिए वो बीमार रहती थी। उस वक्त डॉक्टर ने टीटी को एक्सरसाइज करने की सलाह दी थी, इसलिए उसने हमारा क्लब ज्वाइन किया था। वो ये टॉनिक तुम्हारे लिए है, डॉक्टर ने कहा इससे ताकत आती है और बॉडी फिट हो जाती है। मैंने उन्हें 2 बॉटल्स बनाने के लिए कहा। हाँ तो फिर ठीक है। 3, 2, 1। जब बू 20 साल की हुई तब हमारी माँ गुजर गई। ये बॉक्सिंग क्लब हमें विरासत में मिला था जो बू और टीटी चलाती थी। जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी तब हम दूसरा बॉक्सिंग क्लब शुरू करेंगे। तो फिर वो अलग क्यों हुई? शुरू से ही वो दोनों बहुत अच्छी पार्टनर्स थी। उनके अलग होने की वजह थी बू का वो घूंचू बॉयफ्रेंड। वो उसे बहुत प्यार करती थी, पर एक दिन सब बिखर गया। बू और उसका बॉयफ्रेंड अलग हो गए और फिर वो लड़का टीटी के करीब जाने लगा। बस उसके बाद सब बिगड़ गया। मुझे पता है क्या वजह है, मैं तुम्हारे और टीटी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मुझमें क्या कमी है? वो उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या कहा, उसका दिल बड़ा है? आज ये क्लब मतलब बॉक्सिंग क्लब मैं अकेले ही चलाऊंगी, टीटी क्लब की पार्टनर नहीं है। थैंक यू। हमें बू को खुश करना चाहिए। क्या बात है? बात तो बहुत ये क्या? बहुत मजा आ रहा है। किसने बेचे रख दिया? जरा साइड में खड़ी रहो। वो आज की पार्टी सब तुम्हारे लिए है। सुना दोस्तों, हमारी आज की मेहमान आ गई है। हो हो हो। चलो मस्ती करते हैं। वो चलो ना, हम कुछ नए दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं और फिर हम उनके साथ गेम खेलेंगे और उसके बाद हम उनके साथ घूमने जाएंगे और
घोचू, ये ट्रॉफी मेरी माँ की है। कम ऑन वो, कम से कम आज तो मुस्कुराओ। ये सब देखकर मैं कैसे मुस्कुराऊं? ड्राइव कहाँ है? मैं यहीं कार में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। बू से मिलने में तुम्हें डर लग रहा है? हम दोनों का रिश्ता तो तुम्हारे और बू के ब्रेकअप के बाद ही बना था। इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं। मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं इसलिए यहीं। बाहर आओ। कहाँ आओ? कितने मोटे हो गए तुम? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। कहाँ आओ तुम डाइस? मैंने तुम्हें क्लब में रहने के लिए कहा था ना? मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। बास्केटबॉल कहाँ है बॉल? वो रहा, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम क्यों आई हो? जन्मदिन का तोहफा देने। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, एक बार देख तो लो। ये क्या? इसे तुम ही लगा लो। हम दोनों ने मिलकर इसे खरीदा है। तुम दोनों मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने या बिगाड़ने आए हो? जानती हो कि तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? मैंने अल्बर्ट को तुमसे नहीं छीना है। जरा देखो इसे, कितना मोटा है ये। ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बने तो मेरी एक शर्त है, दोनों क्लब के अंदर आओ और पार्टी खत्म होने तक मत जाना। मंजूर है? ठीक है। ये चल! पार्टी अभी बाकी है। दूसरी लड़कियों को घूरना बंद करो, वरना तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी। वो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सारी दोस्त आ गई, मेरा एक काम है। वैसे सब तो नहीं आए, पर काम हो जाएगा। उनमें से कुछ एक्ट्रेस या मॉडल्स तो होंगे ही ना? हाँ है ना, बुलाओ उन्हें। जो हुक्म आता पास आओ। वो जो लड़का वहाँ बैठा है ना, बस उसे उस लड़की से दूर करना है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, समझ गई? समझ गई। हाय मेरे हीरो, कैसे हो? ओह कितनी क्यूट हो तुम। ओह लो 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 लो। तुमने उन लड़कियों को ठीक से समझाया तो है ना? टीटी गुस्से से पागल होनी चाहिए। थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही है, पर टीटी उन्हें देखकर गुस्से से लाल हो रही है। बू की उस धोखेबाज दोस्त ने बू के बॉयफ्रेंड को छीना था। सालों की गहरी दोस्ती एक लड़के की वजह से झट से खत्म हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। ये बात एक सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। इधर आ गई, रुको ना, मैं लेके जाऊंगी इसे। इन लड़कियों को अपने आसपास भी मत आने देना। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, मूड खराब है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए एक और कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, ताकि तुम फिर से गुलशन उड़ा सको। लड़का देखने में कुछ खास तो नहीं, पर प्यार क्या करे, प्यार तो अंधा होता है। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। मेरे काम वाले के पास भी है। हाँ? थैंक यू भी नहीं बोले। कैसे हो? तुम और लोगे? नहीं यार, बस। अरे नहीं यार, नहीं, ठीक है ठीक है, मजा आ गया। ये हैप्पी बर्थडे।
वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। एक लड़के के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, एक गया तो दूसरा आएगा। चीयर अप, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक होगा। ये है ना वो लड़की जिसका बॉयफ्रेंड, हाँ, उसी का बॉयफ्रेंड उसकी दोस्त ने छीना था। हाँ बिल्कुल, बेचारी कितना बुरा लग रहा होगा ना उसे। आज हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, पर तुम्हारा फिगर अभी भी गंदा है। चुड़ैल कहीं की, जहर उगलना बंद करो, तुम अभी भी पहले की तरह ही बदतमीज हो। तुम नहीं सुधरोगी, खैर मुझे क्या लेना देना। पता है मुझे ज्यादा दुख कब हुआ? कब हुआ? क्लब छोड़ते वक्त? नहीं, तुम्हें छोड़ते वक्त। ओह डाइस, कहाँ थे तुम? मेरा बॉल खो गया था, इसलिए मैंने वो बच्चे का बॉल चुरा लिया। पता है वो बाहर टीजी के साथ अकेले में बात कर रही है। क्या कहा? अब हम क्या करेंगे? मुझे यकीन है पीने के बाद दोनों फिर से अच्छी दोस्त बन जाएंगी। हाय, मैं तुम दोनों के लिए ये लाई हूँ और ये दो ग्लासेस। तुम दोनों बातें करो और मैं अंदर जाकर पार्टी संभालती हूँ। इधर आओ। क्लब कैसे चल रहा है? ये नई लड़की म्यू इतनी बुरी भी नहीं है, उसके आने के बाद से बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा है। मतलब अब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? वो लड़की तुम्हें मेरी दोस्त लगी? मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मेरी एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, पर वो धोखेबाज निकली। दोस्त घर का किराया नहीं देते, मुझे बस क्लब चलाने के लिए लड़कियां चाहिए थी जो मेरे कहने पर आती हैं और मेरे कहने पर जाती हैं। मतलब तुम्हें दोस्त की जरूरत नहीं, तुम अकेली ही बॉस हो, सब तुम्हारी बात मानते हैं और तुम बहुत खुश हो। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम जीत गई बॉस। मुझे लगता है मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी चाहिए। चलो सबके सब निकलो यहाँ से, चलो। तुम मर्द हो के लड़कियों पे लड़ना चाहते हो? चल हट बे। तुम गलत जगह आ गए हो मेरे दोस्त। बुला ना हट। मारो। मैंने ही सब संभाला। पहले अपने कपड़े संभालो। तुम संभालो। क्या कहा? वैसे भी छोटे हैं। गलती होगी, माफ कर दो। छोड़ दो हमें,
तुम में से कोई मुझे नहीं जानता, मेरा नाम ह्यूज है, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं काम के सिलसिले में कुआलालंपुर जा रही हूँ, इसलिए मुझे अर्जेंटली बॉडीगार्ड्स की जरूरत है। तुम तीनों काफी अच्छी फाइटर्स हो, क्या तुम तीनों मेरी बॉडीगार्ड्स बनना चाहोगी? तुम में से बॉस कौन है? मेरी बॉस मैं खुद ही हूँ और कोई नहीं। और मेरी बॉस पहले ये थी, पर अब मैं खुद हूँ। मैं इन दोनों की बॉस नहीं हूँ। हमारा ट्रिप 2 हफ्तों का होगा, ये लो तुम तीनों की फीस। तुम्हारे आने जाने का सारा खर्चा कंपनी करेगी, हर एक को रोज के $2,000 दिए जाएंगे। तो क्या कहती हो, तुम तीनों को ये मंजूर है? वाह, कितने सारे पैसे। तुम्हें लेडी बॉडीगार्ड ही क्यों चाहिए? इसमें गलत क्या है? तो हमें करना क्या होगा? वही जो बॉडीगार्ड्स करते हैं, पर मेरी एक शर्त है। हाँ या ना तुम मुझे अभी बताओगी? मुझे मंजूर है। पैसे लेकर पिकनिक में आ रही हूँ। मैं नहीं आ रही। एक बार सोच लो बू। क्या हुआ दाइस, मेरे पैसे कहाँ हैं? अच्छी बात यह है कि मेरा नया बिजनेस शुरू हो गया, पर मेरा पार्टनर सारे क्लाइंट्स लेके भाग गया और सारे पैसे भी। हमें कब निकलना है? कुछ बातें याद रखना, तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती और फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं डाल सकती, और तुम किसी को भी अपने काम के बारे में नहीं बता सकती। जानती हो ना मैं ज्वेलरी बिजनेस में हूँ, तो तुम तीनों को इस बात का ध्यान रखना होगा। लाओ फोन्स दो। अपनी बैग इसे दे दो, आज से ये तुम्हारी असिस्टेंट है और ये तुम्हारे साथ रहेगी। ओह माय गॉड, हमारी एक असिस्टेंट है। और एक जरूरी बात, तुम तीनों को हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना होगा, क्योंकि जब भी मैं तुम तीनों को बुलाऊंगी तुम्हें एक साथ आना होगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई, तो ठीक है ना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे बता देना। शैंपेन की बोतल तो देना, यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं है? कौन है? हाँ, बहुत। वो तुम कितनी भद्दी सी बैग लेकर घूम रही हो, क्या क्या भरी हो इस बैग में पता नहीं, इतना बड़ा झोला लेकर घूम रही हो। मेरी बैग देखो कितनी छोटी सी है। बकवास बंद करो। हमारी फोटो खींचिए ना। ठीक है, 1, 2, 3। तुम्हारी फोटो लो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी बॉस का प्रॉब्लम क्या है, हमेशा बॉडीगार्ड्स लेकर आती है? मैं दूसरों से बात नहीं करती। पर हमारे साथ खाना तो खा सकती है ना? मैं दूसरों के साथ खाना भी नहीं खाती। क्योंकि मुझे मना किया गया है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुमसे कहा ना, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। प्रेमा, प्रेमा, प्रेमा।
मछली? हाँ। वाह। मतलब तुम्हें मछली पसंद है? चलो आज रात हम कहीं सी फूड खाने चलते हैं। मैं नहीं आ सकती। वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। बाहर में जाओ। बूझरा देखो तो खुद को, तुम कितनी बदल गई हो। तुमने बिल्कुल सही कहा मियो। क्या मतलब है तुम्हारा? टीटी ताना मार रही थी? ताना नहीं, तारीफ थी। ओह अच्छा, तुम्हारी तारीफ भी ताना लगती है। ये ऐसे ही है और पहले भी ऐसे ही थी। अब इस पिकनिक में सिर्फ एक ही चीज की कमी रह गई है और वो है लड़के। लड़कों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। पर मुझे शादी करनी है, बच्चे चाहिए। शादी और बच्चे? तो क्या हुआ, तुम दोनों का तो एक ही लड़के के साथ अफेयर था। कहा था ना ये पलट के मारेगी। पिछली बार जगह छोटी थी, बिल्कुल मजा नहीं आया। खून के छींटों से मेरी शर्ट गंदी हो गई थी। अच्छा रूम है, पर हमें सबसे अच्छा रूम मिलना चाहिए। सबसे अच्छा? थैंक यू। हमारा वीआईपी रूम। तुमने वही ट्रिक आजमाई ना? बिल्कुल चले रूम में चले। वो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? जीना
मैं तो यहाँ की महारानी हूँ। ये क्या है, इसे घुमाओ वजन कम हो जाएगा। पतली हो जाओ पतली, पतली हो जाओ पतली। तुम इस तरह बाल निकालती हो, मैं जितने बाल नोचूंगी उतना दर्द होगा, उतनी स्ट्रांग बनूंगी। तुम्हें चाहिए? हाँ। हे बू, मैं खा रही हूँ और तुम वहाँ पैर साफ कर रही हो। चलो ये भी निकल गया। अकेले में सभी लड़कियाँ यही हरकतें करती हैं। कितना क्यूट ड्रेस है। कल एक जरूरी फंक्शन में जाना है, सभी को तैयार होकर आना होगा। अच्छा मेकअप करना है और तमीज से पेश आना है। ये ड्रेसेस तुम तीनों के लिए ही भेजी गई है। मेरे ख्याल से तुम तीनों इन ड्रेसेस में बहुत खूबसूरत लगोगी। तुम्हारी लिपस्टिक का कलर थोड़ा काला है। तुम्हारा मेकअप भी थोड़ा अजीब है। ये तुम्हारी चॉइस है क्या? आप तीनों चाहती क्या है? हम तीनों चाहते हैं कि बस हो गया। हिलना मत, रुको दो मिनट। सर मत हिलाना। ये लो ढंडना। बात है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमने कर दिखाया। ताली। ओ, रुक जाओ। एमी का वॉलेट। ओ, तो ये तुम्हारा आईडी है? उसने मेरी सारी चीजें देख ली। इससे अच्छा तो मेरा काला मेकअप ही है। क्या हुआ, मेकअप क्यों चेंज किया? क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। मिडनाइट काउबॉय, जो आपके रोम रोम को, रोम रोम को, रोम रोम को, रोम रोम को दीवाना बना दे। वो तुम हमेशा इतना भारी बैग लेकर क्यों घूमती हो? तुम नहीं समझोगी, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। मेरा रोम रोम दीवाना बनने के लिए तैयार है। चलो। ये तो स्टार्टर्स में ही लजीज मछलियाँ खिला रहे हैं। चलो चलो जल्दी अंदर जाओ। सुनो बेवकूफ, अपनी नजरों से उन्हें दूर मत होने देना। वो तीनों अभी क्या कर रही है? खाना खाने गई है। ये नमूने कहाँ से आ गए? मैंने कहा था ना एड्स पर भरोसा मत करना। मुझे तो इन्हें देखकर घिन आ रही है।
गिरा दिया। हाय, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ऐसा मत कहो जानीमन। तुम्हारी राशि कौन सी है? वही जो तुम चाहती हो। तुम चाहते क्या हो? जो तुम चाहती हो। सच बताओ, तुम चाहते क्या हो? कहा ना जो तुम चाहती हो। शर्माओ मत, आराम से बैठो ना, मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ। ला इसे मुझे दो। दो ना, मैं इसे बाजू में रख देता हूँ। तुम कौन सी राशि के हो? तुम जो राशि चाहती हो मैं उसी का हूँ डार्लिंग। कर्क राशि हो क्या? तो अब मेरी राशि कर्क है, ठीक है ना? धनु राशि वाले ज्यादा होशियार होते हैं। तो अब मेरी राशि हो गई है धनु राशि डार्लिंग। कुछ महसूस हो रहा है?好耐未试过同个咁硬净嘅空拍拖。哇、啊！你呢度鱼？呢个 निशान कैसे? लगता है जख्म है, मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ। ओ, अच्छा लग रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड मोटा हो गया था, मैं उसे हर्बल टी पिलाती थी। असली मर्द हर्बल टी नहीं पीते, उन्हें कुछ और ही पीने में मजा आता है, जैसे कि हार्ड ड्रिंक्स। वो तो हार्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीता। मतलब जरूर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा हुआ कि तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो ही गया। पर वो मुझे सच्चे दिल से चाहता था। नहीं, वो तुम्हें नहीं चाहता था। अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करता तो वो कभी तुम्हारी हर्बल टी पीने से इनकार नहीं करता। सचमुच वो मुझसे प्यार नहीं करता था? ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, हो सकता है वो तुम्हें क्या तुम्हें शादी पर यकीन है? मुझे तो शादी पर पूरा यकीन है। शादी और बच्चों को दिमाग से निकाल दो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये हमेशा यही बात सोचती है। तो उसमें गलत क्या है? ध्यान से सुनो, फंक्शन की जगह बदल गई है, तुम फौरन लड़कियों को लेकर यहाँ आ जाओ। ये बोली जॉय 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 संध्या दिव्य बॉय। हाँ, 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 क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? क्या हम कहीं घूमने चले? चलो ना घूमने चलते हैं। घूमने? चलो 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 घूमने चले। क्या हुआ? तुम होश में नहीं हो? तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो। चलो ना, रुको, चले। वो मेरा है। हाँ, ले जाओ इसे। तुम दोनों मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? जाकर शादी कर लो। दूसरों का बॉयफ्रेंड चुराने की आदत अभी तक गई नहीं क्या? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सुनो ना। शट अप। पहली बात, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तीसरी बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात बताना तो भूल गई तुम। तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका था, मेरी क्या गलती है? तुम दोनों मुझे बेवकूफ क्यों समझती हो? मुझे कभी कुछ बताते क्यों नहीं? तुम क्या जानना चाहती हो? तुम्हें होटल में नॉर्मल रूम की जगह वीआईपी रूम कैसे मिला? और तुम तो मुझे जानती नहीं फिर भी शादी के लिए टोकती रहती हो। ये शादी शादी रटना छोड़ दो और उसके आगे भी सोचो। ये मेरी जिंदगी है, मेरे मन में जो आएगा वो करूंगी। मैं शादी जरूर करूंगी और मैं बहुत सारे बच्चे भी पैदा करूंगी। तुम्हें बस मेरी चीजें चुरानी आती है। मुझे चुराने के लिए जानबूझकर तुम उसे मेरी बर्थडे पार्टी में लेकर आई ना? चुड़ैल कहेगी। हाँ, क्या कहा? वही जो तुमने सुना। इसके बाद अगला नाश्ता क्या करना है? जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ पर डार्लिंग। तुम एक गंदी फिगर वाली बदतमीज लड़की हो। तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी तो हमें टैक्सी नहीं मिलेगा और हमें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। बकवास बंद कर। अगर तुम ऐसे ही शादी शादी रहती रही ना तो एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, समझे? तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो। एक ही बॉयफ्रेंड था और वो भी छोड़कर चला गया। मुझे तुम दोनों से नफरत है। मुझे तुम दोनों से नफरत है। बाहर भेजो तुम दोनों, पागल हो गई हो। लड़ो मत लड़कियों, चलो घूमने चलते हैं। तुम भी बाहर में जाओ, तुम भी बाहर में जाओ और तुम भी
लड़कियों का मूड कभी भी बदल सकता है दोस्तों। हमारी वो बड़ी वाली गाड़ी कहाँ पर है? होटल ही तो जाना है, ये गाड़ी भी छोड़ देगी। तुम्हारे लिए मछलियाँ पसंद है ना? मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ, मुझे भी अकेले रहना पसंद है। ठीक है, चलती हूँ। कल के फंक्शन की ड्रेसेस गाड़ी में क्यों रखी हैं? तुम्हें इससे क्या? मैं मिसेस ह्यूज को बताने वाली हूँ कि मुझे घर वापस जाना है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? आते वक्त इस रास्ते से नहीं आए थे? मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। चलो बाहर निकलो, चलो 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 आगे। काम करना है, कपड़े बदल लो। चलो प्लीज मेरी मदद करो। मैंने जीव से कहा कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे यहाँ से वापस जाना है। प्लीज टीटी टीटी मेरी मदद करो। यूज को बता दो ना कि मुझे काम नहीं करना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मुझे फाइट नहीं करनी है, मुझे कोई फाइट नहीं करनी है। तुम दोनों फाइटर हो, बाहर कुत्ते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड कुत्तों का ट्रेनर था, उसने मुझसे कहा था कि अगर हम नीचे झुक जाएंगे तो कुत्ते भाग जाएंगे। झुकने से कुत्ते कैसे भागेंगे? मुझे नहीं पता, तुम इन कुत्तों से पूछ लो। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुप हो जाओ। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, तुम कुत्तों को और भड़का रही हो। हाय, तुम भी लो। हेलो, कैसे हो? मजा आने वाला है। रेड ड्रैगन क्लब की शानदार पार्टी में आप सबका स्वागत है। घोस्ट लाइन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मिस्टर वॉन्ग, मैंने सुना है आपकी बीवी आपको यहाँ आने से रोकती है। मेरे ख्याल से आपको उन्हें इस पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। आज भी हमारे पास दो नई टीम्स हैं, ओके? पहली टीम का नाम है जंगली बिलियां, जिन्हें खुद मिसेज ह्यूज ने ढूंढा है। तो आइए देखते हैं इनकी खूबियां और कमजोरियां। पहली लड़की का नाम है बू, जिसकी हाइट है 5'6" और वजन 50 किलोग्राम। उसकी उम्र 30 साल है, इसलिए अब उसमें वो जोश नहीं रहा। अब समझ में आया। ये है टीटी, हाइट 5'6" और वजन 50 किलोग्राम। ये ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन है। ये है म्यू, हाइट 5'4" और वजन 45 किलोग्राम। ये सबसे कमजोर खिलाड़ी है। देखो लड़की कितनी क्यूट है, इनका वीडियो अच्छा था, मैं तो इन्हीं पर पैसा लगाऊंगा। अब पेश है मिसेज ह्यूज की सबसे पसंदीदा टीम, पिछली 3 फाइट्स की विजेता। अब तक तो आप इस टीम को जानते ही होंगे, द ए टीम। मुझे मरना नहीं है।
जाना है, मुझे नहीं मरना, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलिए आपके दोनों पार्टनर्स को भी बुलाते हैं। हेलो लड़कियों, मैं आप सबको खेल के नियम बता देता हूँ। पहले राउंड में दोनों टीम एक एक खिलाड़ी को पिंजरे के अंदर भेजेंगी। किसी एक खिलाड़ी के हार मानने के बाद दोनों टीम फिर से एक एक खिलाड़ी को अंदर भेज सकती हैं, और वो तब तक लड़ेंगी जब तक कोई एक टीम पूरी तरह हार नहीं जाती। तो दर्शकों, लीजिए खेल का मजा। म्याऊ, अगर तुम जिंदा बची तो मैं तुम्हें लड़कों को फंसाने के तरीके सिखाऊंगी। म्याऊ, तुम्हें जीतना होगा। राउंड वन। तुमने देखा? Thank you.
राउंड टू। बहुत अच्छा दीदी। अगर तुमने हार मान ली है तो आखिरी खिलाड़ी को अंदर बुला लो। अरे नहीं, ये तो खड़ी हो गई, क्या बात है। अच्छा है हम वहां नहीं बैठे। राउंड थ्री। Thank you.
दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। क्या कोई सुन रहा है? हमारी मदद करो। दीदी, मियो, मियो, मियो तुम ठीक तो हो ना? मियो कुछ बोलो, मियो। दीदी, दीदी। वो, मियो, मियो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।死唔去，莲花棒，莲包，嗯，香水。咩都有，系冇纸巾嘅。啊，唔系嘛？搞错你。冇纸巾啊嘛，一样啫，都系索血啫嘛。我情都唔使俾翻我噶，信错人啊！我架底好痛啊！你试下揿下颈椎度，边度啊？我有止痛药，止痛药你都有嘅？止 M 痛啊嘛！天下间嘅止痛药一样噶，我冇水唔识吞药噶，我有水。我有條 Starbucks 飲管啊，要唔要？估唔到咧，女人成袋垃圾都可以用嚟救命。乜你有啲咁嘅嘢嘅？咁我本身諗住叫鴨噶嘛。仲打咗四套添啊！其实如果唔系嚟住呢度咧，我可能已经执咗拳馆啦。唔得，拳馆执咗我点翻嚟？其实咧，我送张三十岁生日卡俾你，系想提你。你话三十岁要同我开第一间拳馆嘅分店。咁你都唔使送煲糖俾我做生日礼物噶？我认真噶，仲衰，谂咗好耐噶啦。其实咧，煲糖做生日礼物都 OK 啊，煲糖 OK 噶。系咧，有咩好得过免费打煲糖咧？宝啊，对唔住，对唔住边样？我话你 push 到上颈。真的很夸张咩？系啊系啊，又唔早啲讲，讲你听咩？都系我当面讲最难听嘅说话，先至系真心朋友。
भूख लगी है मुझे भी। पहाड़ के पीछे लंबा रास्ता, उसके बाद दाएं मुड़ो। तुम्हें पता है हम उन दो गार्ड्स को इस पिंजरे के अंदर कैसे ला सकते हैं? चुना मुझे नहीं। मुझे लगता है वो टीटी को मारने वाला है। बच गई मैं। पर पुलिस और रिपोर्टर्स के मुताबिक वो जगह एक भूल भुलैया जैसी थी, तो आप तीनों वहाँ से भागने में कामयाब कैसे हुई? एक लड़की की वजह से। हम उसके बहुत एहसानमंद हैं। मैं सिर्फ इतना ही जानती थी कि उसे मछलियाँ बहुत पसंद थी और उसे काला मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। इमी भरोसे के लायक तो है ना? उसने हमें फंसाया है। हमें भरोसा करना होगा। वजह से मैं खुद को पहचान पाई। वहीं आ गए।
क्या आप और डिटेल में बता सकती हैं? हम उस हॉल में थे और हमारे सामने थे 900 हट्टी कट्टे मर्द। उन्होंने हम पर बंदूकें तानी हुई थी और तभी मैंने एक फाइटर जेट की आवाज सुनी। रात को छोले खाए थे। उनके पास फाइटर जेट भी थे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। आज मेरी हाई हील्स ने मुझे बचा लिया। मुसीबत के वक्त कोई भी चीज काम आ सकती है। वाह क्या लाइन है। मेरा हथियार। तीनों की वजह से मैं खुद को पहचान पाई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहाँ है? और मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उन्हें बचाया, पर मुझे लगा कि तुम लगी तो नहीं। चलो चलो चलो। तुम्हें इतनी जोर से लगी? और नहीं तो क्या। हाँ? 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 हाँ?
तुम दोनों ठीक तो हो ना? कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब ये देखो। आखिर हमें उसकी कमजोरी का पता चल ही गया। वो फिरंगी अनिल कपूर लग रहा था। भालू जैसे बाल थे उसके। फिर तुमने क्या किया? उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। ये लीजिए, ये हमारा बिजनेस कार्ड है। हाँ, ये वाला अच्छा है ना? जरा और ये भी तो है। ये ड्राइंग्स मैंने बनाए। ओके, अब ऊपर, अब नीचे, ऊपर, आराम से करना, ज्यादा जोर मत लगाना। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हेलो बॉक्सर, मैं हूँ बू। हमारे इस क्लब में आप सभी का स्वागत है। लड़की चाहे जैसी भी हो, पतली हो या मोटी हो, उसे खुद का बचाव करना आना चाहिए। और एक बात, बॉक्सिंग और कराटे सीखने से आप हमेशा फिट और शेप में रहेंगे। तुम्हारा टॉनिक लेने के बाद मेरे मसल्स ही नहीं बल्कि मेरा फिगर भी अच्छा हो गया है। वो टॉनिक है ही कमाल का। सुमीन सा ले जाए, ले जान सी कही जाए। तुम था जंबो जी ला। तुम फिर से ताना मार रही हो ना? सच सच बताओ, तुम्हें बू पसंद है ना? बोलो। मैंने कहा था ना ये बू को पसंद करता है। हाँ, ये यहाँ ऐसे तैयार होके आता जैसे शादी में आ रहा हो। बताओ तुम्हें बू क्यों अच्छी लगती है? बोलो। वो बहुत होशियार है, मेहनती है और क्यूट भी है। सच कह रहा हूँ मैं। तो बू को खुश करने के लिए कुछ कहो, कुछ अच्छा सा कहो। जब वो फाइट करती है तो उसके बदन से कमाल की खुशबू आती है। कुछ और भी बोलो। वो भला की खूबसूरत है। चलो काम हो गया। Thank you.
वो तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें हराना वाकई मुश्किल है। पर बॉक्सिंग में तुम मुझे रोज हराती हो। ओ, अभी तक नहीं समझे? नहीं समझा। आपको दर्शकों से कुछ कहना है? इस सफर के दौरान मैंने ये भी सीखा कि दोस्त और दुश्मन दोनों जरूरी होते हैं। पंच मारते वक्त अगर आपके सामने कोई नहीं है या आपके पीछे कोई दोस्त नहीं है तो उस पंच का कोई मतलब नहीं। ओके, अब काम की बात करते हैं। क्लब में आइए और सीखिए 900 लड़कों को एक साथ कैसे मारते हैं सिर्फ 30,000 रुपए में। रिकॉर्ड हुआ ना? सब हुआ ना? हाँ ठीक है। हम हैं चार लड़कियां।